हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आप लोग जानोगे कि हम अपने लव बर्ड्स को हैंड फीडिंग किस तरीके से कराएं। आज की वीडियो में आप लोगों को लव बर्ड्स की हैंड फीडिंग टिप्स देने वाला हूं, तो वीडियो साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने पानी ले लिया है। इससे पानी को लेने के बाद में हमको दोस्तों बॉयल कर लेना है। अब आप लोग कहोगे कि ये तो मैं करता ही हूँ, पर दोस्तों आपको वीडियो को शुरू से फॉलो करना है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको बच्चों को हैंड फीड किस तरीके से करानी है और आपको हैंड फीड करा करके चिक्स को किस तरीके से और कहां पर रखना है। तो दोस्तों यहां पर पानी बॉयल हो चुका है, पानी बहुत अच्छी तरीके से बॉयल हो गया है। और इसके बाद में जो अगला हमारा काम है वो ये है कि गैस को बंद करना, और गैस बंद करने के बाद में इस बॉयल पानी को नीचे उतार लेना। ठीक है दोस्तों, इतना आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, तो दोस्तों ये पकड़ है, इस पकड़ की मदद से हम यहाँ पर पानी को रख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो इस कटोरी के अंदर 4 से 5 ml की समथिंग पानी लेंगे, क्योंकि दोस्तों इतना ही हैंड फीडिंग मेरे चीक्स के लिए लगता है, क्योंकि 4 चीक्स मेरे पास जो वो हैंड फीड पर मैंने लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 4 चिक्स जो है वो दोस्तों 3 बच्चे तो लव बर्ड के हैं और 1 बच्चा बजीज का है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जो है हैंड फीडिंग ये वही है जो मैंने आप लोगों को वीडियो में काफ़ी दफ़ा बता रखा है कि किस तरीके से आपको पीसनी है और किस तरीके से आपको बनानी है। ठीक है, अब इसके बाद में हमको इस हैंड फीड को इसके अंदर पलटेंगे। तो दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत हो रही है वीडियो बनाने में, क्योंकि दोस्तों मैं अकेला ही हूँ, तो इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, पर कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छे से समझ आना चाहिए बस। तो अब दोस्तों हमने यहाँ पर हैंड फीड पलट ली है, और आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी आप हैंड फीड बनाओ तो ना ही तो ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए। और इसके अंदर हमने एक और चीज़ ऐड की है, तो ये आप लोग देख सकते हो, न्यू पेप्टीन। तो दोस्तों इसकी मैंने 2 बूंदें इस हैंड फीड के अंदर मिलाई हैं ताकि ये हैंड फीड जो है वो अच्छे से हजम हो जाए। और आपको यहाँ पर आपको दोस्तों बुलबुले बुलबुले नज़र आ रहे होंगे, तो ये दोस्तों क्या होता है कि हैंड फीड जब हम बनाते हैं तो दोस्तों थोड़े डेले टाइप में हो जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी आपकी हैंड फीड में डेले डेले बन जाए तो उनको अच्छे से पहले आपको अच्छे से प्रेस कर लेना है और हैंड फीड को अच्छे से मिला लेना है। अब दोस्तों अगला काम हमारा ये है कि इस चम्मच की मदद से हमें अपने हैंड फीड को यहाँ पर स्क्रीन आप लोग देख सकते हो, मैं आपको हाथ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप इस हैंड फीड को रखें और फिर देखें कि आपको कितना ज़्यादा गर्म महसूस हो रहा है। अगर आपको इतना महसूस हो रहा है कि आप सहन कर सकते हो तो आप अपने बर्ड्स को फीड करा दें। अगर आपको लग रहा है कि भाई बहुत ही ज़्यादा तेज़ गर्म है, मेरी स्किन जल गई, तो इतना ज़्यादा गर्म आप फीड ना कराएं। ठीक है, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अब मैं आप लोगों को मिलाता हूँ अपने हैंड फीडिंग चीक्स से। दोस्तों ये पानी का बाउल में, यानी कि पानी का बर्तन क्यों लेकर के आया हूँ साथ में, ये पानी अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है, ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पर 3 चिक्स आप देख सकते हो, और दोस्तों बजरी का चिक्स तो जो वो दिख ही नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं यहाँ पर हैंड फीड कराने का नंबर लगा रहा हूँ। तो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, तो अभी तक जिन भाइयों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भाई चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत जो है वो लगी है। तो अब दोस्तों आइए इनको हैंड फीड कराते हैं। तो दोस्तों हैंड फीड बनाने का प्रोसेस तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि हमें हैंड फीड कैसे बनानी है। अब काफ़ी हमारे दोस्त कमेंट्स करते हैं कि भाई हमारे चीक्स जो है वो हैंड फीड हमने अच्छी तरीके से बना ली, अच्छी तरीके से पीस भी ली, पर हमारे चीक्स जो है वो हैंड फीड खा नहीं रहे। तो दोस्तों वो इसीलिए नहीं खाते आपके चिक्स हैंड फीडिंग, कि वो हैंड फीडिंग जो आप बिल्कुल ठंडी कर लेते हो तो ठंडी हैंड फीडिंग चिक्स जो है वो नहीं खींचते, यानी कि नहीं वो खुद ब खुद लेते। जिस तरीके से आप वीडियो पर देख रहे हो स्क्रीन पर, ये चिक्स खुद ब खुद फीड खा रहा है। तो दोस्तों फीड जो है हल्की गुनगुनी है, तो इसीलिए ये चिक्स जो है फीड को ऑटोमेटिक खींच रहा है। अगर यही फीड अगर ठंडी होती तो दोस्तों ये चिक्स जो है मुँह को इधर उधर फड़फड़ाता और ये फीड को नहीं खाता। तो इस चीज़ का आपको बेशक ख्याल रखना है। तो अब आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट, यानी अगली बात की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा इनको इस तरीके से इसीलिए खिला रहा हूँ कि मेरे पास कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं है, तो इसीलिए मैं इनको एक ही हाथ से खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको खिलाना है तो दोस्तों किस तरीके से खिलाना है, आपको जो है हाथों से इनको थोड़ा सा पकड़ लेना है, थोड़ा नाजुक तरीके से, और उस पकड़ने के बाद में फिर आपको धीरे धीरे फीड करानी है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको अगला पॉइंट बताता हूँ कि आपको हैंड फीड कराने के बाद में जब आपकी हैंड फीड ठंडी हो जाए तो आपको इस तरीके से यहाँ पर जो है गर्म पानी के अंदर रख लेनी है, फिर उसके बाद में दोबारा से आप अपने चिक्स को हैंड फीड करा सकते हो। इस चीज़ का आपको बेशक और अच्छे से ख्याल रखना है, क्योंकि दोस्तों ठंडी हैंड फीडिंग चिक्स जो है नहीं खाते और ना ही उनको वो जो है हजम नहीं होती। क्योंकि काफ़ी दोस्त बोलते हैं कि भाई हमने घर की हैंड फीड बना करके दी थी
तो वो चिक्स के पेट में ही जम गई। तो अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ हमें कितनी हैंड फीडिंग चिक्स को खिलानी चाहिए। तो ये आपको मैं अच्छे से इसका कोटा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, कोटा पेट हम जो भी आप लोग बोलते हैं, तो ये आप लोग देख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर मैंने पेपर के टुकड़े भी दिए हैं, पेपर के टुकड़े मैंने क्यों दिए हैं ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब दोस्तों हमारे बर्ड जो है चिक्स पॉटी करेंगे तो दोस्तों होगा ऐसा कि अगर इसके अंदर हम कुछ ऐसी चीज़ नहीं देंगे जो पानी को सोख सके, यानी कि इनकी पॉटी में जो पानी की मात्रा होती है उसको सोख सके, अगर ऐसी चीज़ हम नहीं देंगे तो दोस्तों हमारे बर्ड्स के चिक्स जो है काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाएंगे और हमारे बर्ड्स के चिक्स जो है वो सर्दी में भी आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का आपको बेशक ख्याल रखना है। अब दोस्तों मैं अपने बच्चों को जो हैंड फीडिंग कराता हूँ वो दिन में 4 टाइम फीड कराता हूँ, और दोस्तों इसी तरीके से मैं पेपर को क्रश करके देता हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि आज की ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोग जान गए होंगे कि आपको अपने चिक्स को हैंड फीडिंग किस तरीके से करानी है। तो उम्मीद करूँगा कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के लिए एक लाइक और हमारे यूपी पैरेट बर्ड्स लवर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, तो ताकि आप लोगों तक ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो पहुँचती रहे। तो फिर मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें, तो बाय बाय ऑल फ्रेंड्स।